आज हम दुर्गा नगर का जल आवर्धन योजना पर पहुंचे हैं। जल आवर्धन योजना में हमने देखा कि यहाँ पर जल सप्लाई बहुत ही सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। समय समय पर सीएमओ साहब के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। पानी में कोई इस गड़बड़ी नहीं। पानी की कोई गड़बड़ी हमें देखने को नहीं मिली है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे भी इसी के चलते आज सीएमओ आत्माराम सावरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया और उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने भी बताया कि हमने निरीक्षण किया है, जहाँ पर कोई कमी बेशी नहीं पाई गई। तो यह बहुत अच्छी बात है कि सीएमओ साहब सक्रिय हैं, जल आवर्धन योजना को लेकर हर बार यहाँ पर आकर खुद चेक करते हैं, पानी पीते हैं। यह उनकी सराहनीय बात है। खिरकिया नगर परिषद की जल आवर्धन योजना की लगातार शिकायत मिल रही थी, इसी के चलते सीएमओ आत्माराम सावरे के द्वारा आज निरीक्षण किया गया। सर तो निरीक्षण करने के बाद में हम सर से जानना चाहेंगे क्या निरीक्षण किया, क्या कमी पाई गई। सर्वप्रथम मैंने मतलब कि फिल्टर प्लांट जो फिल्टर टैंक को जांच की गई और उसमें पानी पीकर के भी देखा गया, पानी स्वच्छ पाया गया मेरे द्वारा, और एलम और क्लोरीन और कौन सा पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर की भी तीनों की जांच की गई और हम समय पर उपलब्ध कराकर मतलब कि पानी में मिलाया जा रहा है। और वाटर टैंक और ब्लीचिंग टैंक और एलम टैंक तीनों की जांच करके एलिवेटर की भी जांच की गई, रिपोर्ट भी सही सही आज पाई गई है रिपोर्ट, और बाहर से भी ली गई है वो भी मतलब कि परसों के दिन रिपोर्ट ली गई है वो भी सही आई है, और पानी पी करके भी देखा है पानी स्वच्छ है। मैं आपका सुधीर नागवे। नागले जी, जल स्वच्छ मिले इसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम समय समय पर ब्लीचिंग डलवाते हैं, क्लोरीन जांच करवाते हैं, और पीएस पाउडर डलवाते हैं, और एलम डलवाते हैं साथ में। बस खिरकिया नगर पंचायत को या खिरकिया के नगरवासियों को स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ जल मिले।